हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे जो इस साल के लिए पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है वो डिस्कस करूँगी। सो इस यूनिवर्सिटी में 30 से भी ज़्यादा पीएचडी प्रोग्राम्स अवेलेबल है। आपको नेट, गेट, जीपैट या फिर किसी भी प्रकार के नेशनल लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को 15,000 पर मंथ फेलोशिप दी जाएगी। इस यूनिवर्सिटी में सारे कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, बट जो स्टूडेंट्स नेशनल लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं वो सारे स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्ट रहेंगे। सो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, एंड यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीएचडी के लिए, बिकॉज काफ़ी सारे रिसर्च टॉपिक्स इस यूनिवर्सिटी में अभी अवेलेबल है। सो ये सेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स कलिंगा यूनिवर्सिटी में इस साल के लिए पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। So let us begin with this session. So students, this is the वेबसाइट ऑफ कलिंगा यूनिवर्सिटी, जिसका बहुत ही अच्छा रैंकिंग है। एंड जैसे ही आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको नीचे पीएचडी नोटिफिकेशन नजर आएगा। सो पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो सभी स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम देना है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, बट नेशनल लेवल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्ट रहेंगे। सो आप सभी स्टूडेंट्स आज भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 15 जुलाई। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम जो होगा आपका 23 जुलाई को होगा, ओके। एंड बाकी के जो डिटेल्स है वो आपको यूनिवर्सिटी बाद में नोटिफाई करेगी। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम का जो स्कीम है वो क्या है। एंट्रेंस एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाएंगे फॉर द 2 मार्क्स। देन पेपर 2 विल बी फॉर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जिसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ओके। सो ये आपका बेसिकली टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, एंड इंटरव्यू के लिए 50 मार्क्स रहेंगे। सो टोटल मार्क्स की एग्जाम रहेगी 250, बट एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ आपको 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, तब भी आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। एंड एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो जैसे ही आपने सभी ने यहाँ पे देखा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत इसेंशियल है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स, हम आप सभी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर एंड पेपर 2 के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम सभी आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से गारंटीड सारे स्टूडेंट्स पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे ही, जिसका नाम है KALSEE। सो इस कंप्लीट कोर्स में हम सारे स्टूडेंट्स को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। हम आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश, इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है, देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस है 699, एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप सभी ने देखा कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट आपके 23 जुलाई को है, दैट्स वाई आप सभी के पास अब सिर्फ 7 डेज बचे हैं। सो इन दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ डेज आपको ऐसा प्रिपरेशन करना है जिसके बाद आप गारंटीड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करोगे ही। सो इस प्रिपरेशन के लिए ये जो कंप्लीट कोर्स है ऑन द रिसर्च मेथोडोलॉजी, दिस इज नथिंग बट अ रिविजन पैकेज टू ऑल द स्टूडेंट्स, एंड हम गारंटी देते हैं कि विद दिस कंप्लीट कोर्स सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में 50% मार्क स्कोर करके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते ही है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, हम सारे स्टूडेंट्स को KALSEE पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं बाय स्कोरिंग मोर मार्क्स इन पेपर 2। इसमें आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लेते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल
ईयर की फीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर टू का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टू ज्वाइन आवर कोर्सेस आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। नाउ लेट अस बिगिन एंड हम बाकी के डिटेल्स देखते हैं नोटिफिकेशन के। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो आप सभी के पास तो मास्टर्स डिग्री होनी ही चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। एंड जो रिजर्व कैटेगरी के यू नो कैंडिडेट्स है, उन सभी स्टूडेंट्स को 50% मार्क्स चाहिए। ओके सो अगर आपने एमफिल, नेट, गेट, स्लेट, एसेट और इक्विवेलेंट एंड रेगुलर टीचर इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई भी अगर आप स्टूडेंट हो या फिर इनमें से कोई भी एग्जाम को अगर आपने क्वालिफाई किया है देन वो सारे स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट रहेंगे, उनको डायरेक्टली एप्लीकेशन करना है। सो यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए PhD प्रोग्राम्स अवेलेबल है, इंक्लूडिंग बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइन, फॉरेंसिक साइंस, देन जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, इंटीरियर डिजाइन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, योगा एंड जूलॉजी। सो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे PhD प्रोग्राम्स अवेलेबल है। सो एडमिशन और सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको एप्लीकेशन करना है एंड एप्लीकेशन करने के लिए आपको इस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन करके एंट्रेंस फी को पे करना है। सो इस वीडियो में मैंने जितने भी सारे लिंक्स यूज़ किए हैं वो सारे लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है। फी फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी है फॉर इंडिया एंड सार्क नेशंस के लिए 3000 एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी फॉर एप्लीकेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज वो है $100 एंड आप सभी को ऑनलाइन पेमेंट एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 जुलाई तक फिलअप करना है। सो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा कि सार्क नेशंस के लिए भी PhD प्रोग्राम्स अवेलेबल है, देन इंडिया के लिए भी है, अदर कंट्रीज़ के लिए भी है। सो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, दो इट इज़ प्राइवेट बट ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है फॉर द PhD प्रोग्राम्स एंड दैट्स वाई ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस थोड़े ज़्यादा है बट स्टिल इट इज़ वर्थ। ओके सो यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं जिसपे जाके आप सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आप सभी के एग्जाम 23 जुलाई को है। एंट्रेंस एग्जाम के डिटेल्स तो हमने देखे, आप सभी स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम घर बैठ के ही देनी है ऑन द यू नो ऑनलाइन मोड एंड बाकी के जो सारे डिटेल्स है अबाउट टाइम ऑफ द इंटरव्यू, देन आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सारे डिटेल्स आपको बाद में यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। अगर आपको PhD प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर देखना है देन वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके इस यूनिवर्सिटी में आप पार्ट टाइम एंड फुल टाइम PhD दोनों भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख लिए। ओके सो इस यूनिवर्सिटी में जो वेकेंट सीट्स की इन्फॉर्मेशन है वो तो अभी तक आई नहीं है, सो बाद में यूनिवर्सिटी हम सभी को नोटिफाई करेगी। जैसे कि सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं सो इसका मतलब ये है कि उन सारे सब्जेक्ट्स में वेकेंट सीट्स भी अवेलेबल है। एंट्रेंस एग्जाम का तो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड नहीं किया है, सो जो कंप्लीट कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो हम अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिलेबस जो होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, अकॉर्डिंग टू दैट हम बनाते हैं। सो दिस इज रियली हेल्पफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो लेट अस सी वंस अगेन द कंप्लीट कोर्स दैट वी प्रोवाइड ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी। जैसे कि आप सभी ने देखा PhD एंट्रेंस टेस्ट में आपको 50% MCQs रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं विच इज़ कॉमन फॉर एवरी सब्जेक्ट राइट एंड दैट्स वाई आप सभी स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए किसी और सोर्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। दिस कंप्लीट कोर्स इज एवरीथिंग फॉर रिसर्च मेथडोलॉजी। कंप्लीट कोर्स ये आप सभी के लिए एक रिविजन पैकेज की तरह काम करेगा जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे ही। इस कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। मॉक टेस्ट में
10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज, दैट्स व्हाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। सो मॉक टेस्ट की मदद से सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि उनकी पढ़ाई कितपत हुई है, उनको कितने प्रिपरेशन की अभी ज़रूरत है। इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से सारे स्टूडेंट्स एक ही पीडीएफ में सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई उनको गारंटीड 80% एमसीक्यूज इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस भी बहुत कम है, विच इज ओनली 699, एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा एंट्रेंस टेस्ट भी है, इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू में भी आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई ये कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए इंटरव्यू में भी काफी काम आएगा, एंड अलोंग विद दैट पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। अब अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं, देन वो भी आप कर सकते हो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, एंड आफ्टर दैट आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम सारे स्टूडेंट्स को पेपर टू का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। पेपर टू यानी कि कंसर्न्ड सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर टू में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं। इसमें आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से गारंटीड सारे स्टूडेंट्स पेपर टू में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लेते हैं। पेपर टू स्टडी मटेरियल की फीस सिर्फ 999 है, एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास करंटली पेपर टू का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे कोर्सेज को ज्वाइन इन करना है देन आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा एंट्रेंस एग्जाम है देन आफ्टर दैट इंटरव्यू है। सो पेपर टू के लिए भी आपको इंटरव्यू में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द कंसर्न सब्जेक्ट। सो ये जो नोट्स है ये आप सभी को कंसर्न सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू के लिए बेसिकली बहुत काम आएंगे, एंड एज वेल एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो काम आ ही जाएंगे। ओके, सो इसमें अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, एंड पूरे वीडियो में अगर कोई इंक्वायरी आपको करनी है, कुछ पूछना है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।